हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो गाइज, अभी मॉर्निंग का समय है, अभी सुबह का टाइमिंग लगभग 6:30 बज रहा है और आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि गाइज इतना दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि कोई कारणवश था और समय नहीं मिल पा रहा था। तो गाइज, आप सबको मेरा ब्लॉग फुल देखना है आज, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करूँगी सारा चीज़ ब्लॉग में कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी। तो गाइज, अभी चलिए किचन की ओर, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। सो गाइज, अभी मैं किचन आ गई हूँ और गाइज पता है आज गर्मी बहुत है, क्योंकि आज मतलब सुबह का 6:30 ही बज रहा है और गर्मी काफ़ी है। और अभी देख सकते हैं आप सब मुझे पसीना कितना आ रहा है, क्योंकि गर्मी ही काफ़ी है। तो मैं सोची कि सवेरे खाना नाश्ता एक ही साथ बना लेती हूँ। और आप सब देखिए, यहाँ मैं आटा सान के रखी हुई हूँ। मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। आप लोग हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए, अब रोटी बनाने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। बस यहाँ पर मेरा रोटी बन रहा है, देख सकते हैं आप सब। हमारा रोटी बन के हो गया है रेडी, देख सकते हैं कितना सारा रोटी बनाई हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, देख सकते हैं गाइस कितना पसीना निकल रहा है। इतना पसीना में चूल्हा के पास रोटी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, या खाना बनाना, कोई भी काम करना गाइस। फिलहाल मेरा रोटी यहाँ बन के तैयार हो गया है, अब जा रही हूँ रखने किचन में, फिर मैं चावल चढ़ाऊँगी। यहाँ मेरा चावल बन रहा है, थोड़ा बहुत बन गया है। आज बनेगा भिंडी की सब्जी और ये हमारा खुद का बाड़ी का है। मम्मी जी लोग गई थी खेत से भिंडी लाने, वही अभी हम बनाएंगे। यहाँ हमारा मसाला तैयार हो रहा है। मसाला में लहसुन, मिर्ची, पतरस, धनिया, मरीच, जीरा सब दिए हैं, जा रही हूँ उसको पीसने। आज आप लोग को भिंडी की सब्ज़ी का फुल रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं डालूँगी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। यहाँ आई हूँ मैं पीसने, क्योंकि हम इधर मेरा बाबू देख सकते हैं खेल रहा है अपने अंकल जी के साथ। इधर हमारा सब्जी बन के हो गया है तैयार भिंडी की। अब इसमें तड़का लगाऊंगी, लहसुन, पतरस, खीरा, मिर्ची, इसलिए तड़का लगाने से स्वादिष्ट बनता है। खाना बन के हो गया है तैयार और सबको भूख लग गया था, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था, सब गए थे काम करने, तो आए तो खाना मांगने लगा। दे रही हूँ सबको खाना और मुझे भी भूख लग गया है, 10:30 बज गया है, इसलिए सोची वो लोग को दे देती हूँ पहले, और मैं भी खा लूँगी। देख सकते हैं गाइस, हम एकदम देसी तरीका से परोसी हूँ। हमारे गाँव देहात में ऐसा ही खाना परोसा जाता है और सब देख सकते हैं। सो गाइस, शाम का भी 4 बज रहा है और हम नहा धोवा लिए हैं और अभी 4 बज रहा है, फिर भी गर्मी उतनी ही काफ़ी है। बहुत सारा धूप है, मतलब जल रहा है लगता है शरीर, इतना धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा का है। उसके बाद हम खाना वाना बना के सबको खाना दे के उसके बाद मैं भी खा ली थी और बाबू को नहला धुला के उसको भी सुला दिए थे। करते करते 10:30-11 बज गया था। उसके बाद आज पता है हम वीडियो भी सही टाइम पे अपलोड नहीं की थी, मतलब पब्लिश नहीं किए थे, नहीं डाले थे यूट्यूब पे। और उसके बाद हमको खाने के बाद इतना ज़ोरों से नींद आया, बाबू को भी सुलाए नहला के, उसके बाद हम भी सो गए। उसके बाद
10:30 बजे जो सोए 10-11 में, उसके बाद जगे 3 बजे, उसके बाद कुछ देर पहले मतलब 1 घंटा पहले मैं जगी हूँ, उसके बाद बाबू भी जगा। और घर का सारा काम मतलब 4 बजे का जो होता है, बर्तन साफ़ करना, किचन को साफ़ करना, अभी देख सकते हैं मैं किचन विचन साफ कर रही हूँ, अभी देख रहे हैं आप लोग, बर्तन भी साफ़ कर ली हूँ, उसके बाद आंगन में झाड़ू दे दी हूँ। और अभी हम किचन आए हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी जी बोली चाय बनाने। और हमारे यहाँ 2 टाइम चाय बनता है, एक सुबह और एक शाम, और हम तो 2-3 टाइम पी लेते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा चाय पसंद है, तो हम 2-3 टाइम कभी कभी पी लेते हैं। तो मम्मी जी लोग 2 टाइम पीती है सुबह शाम। तो अभी हम चाय बनाने आए हैं, आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए अंत तक। चाय पत्ती मैं डाल दी हूँ, अब देख रहे हैं खोल रहा है अच्छा से, बस इसमें कलर आ जाए। वैसे तो मैं अच्छी तरह से इसको खोलाई हूँ, आएगा धीरे धीरे कलर, अभी तुरंत चाय पत्ती डाली हूँ इसलिए आ जाएगा कलर, आप सब देख सकते हैं। गाइस आप सब कमेंट में बताइएगा कि किनको किनको चाय पसंद है, बाकी मुझे तो पसंद है, मैं पीती हूँ। और गाइस मैं लगभग 6-7 महीना के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि गाइस बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग या शॉर्ट कुछ भी नहीं बना पा रही थी। और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग अपलोड करने का एक, और प्लीज़ गाइस आप लोग हमारे चैनल पे एक्टिव हो जाइए, प्लीज़ आप लोग हमारे खुद ब्लॉग देखिएगा और ढेर सारा प्यार सपोर्ट लाइक शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ या शॉर्ट बनाती हूँ गाइस, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे हैं, उसके बाद घर का काम और थोड़ा बड़ा इधर उधर का परिये जाता है, और जो है सारा कुछ समेटते हुए फिर उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्लॉग बनाती हूँ या शॉर्ट बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ गाइस। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए गाइस, और आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी, मतलब रेसिपीज का और कहीं ट्रैवलिंग का, उसके बाद मैं अपना घर में क्या होता है मतलब डेली ब्लॉग दिखाऊंगी, लाइव ब्लॉग, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ सब कुछ देसी तरीक़ा से होता है एकदम सारा। आप लोग जब देसी तरीक़ा से हर एक चीज़ देखना चाहते हो, हर एक काम देखना चाहते हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी हमारे चाय इधर बन गया है, आप लोग देख सकते हैं चाय बन गया है, पापा के लिए बिना चीनी का निकालते हैं, क्योंकि हमारे पापा जी बिना चीनी का पीते हैं, तो इसलिए उनके लिए बिना चीनी का निकालते हैं। गाइस देख सकते हैं चाय बनाने में कितना ज़्यादा पसीना आ गया, इधर देखिए देख सकते हैं। गाइस एक बात बताएं, हम महिलाओं को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, बच्चे को संभालना, घर को संभालना, परिवार को संभालना, किचन संभालना, बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि हम लोग को संभालना पड़ता है, फिर भी एक गलती हो जाता है तो परिवार में कोई सब बोलेंगे करती क्या है, करती क्या है, एक खाना ही बनाती है, खाना ही बनाती है, उसी में इतना ये, तो ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि अभी देखिए हम लोग कितना गर्मी है, फिर भी मतलब घर का जितना भी मेंबर हो अभी सब तो हवा लगा रहे हैं पंखा में या इधर उधर घूम रहे हैं, और हम लोग को अभी मतलब आए हैं थोड़ा कुछ चाय ही बनाना है तो वही करने तो आए हैं ना, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता हमेशा, तो इसीलिए गाइस बोलते हैं हम औरतों को हमेशा हर एक चीज़ के लिए दबाया जाता है और बोला जाता है, डांटा जाता है। और अभी देखिए कितना परिश्रम करना पड़ता है और उसके बदले में मिलता है हम लोग को ताना, पता नहीं ये ताना से मुक्ति कब मिलेगा हम महिलाओं को। तो बाकी आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और गाइस आज आप लोग आप लोग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए, बाय बाय।